नमस्कार दोस्तों, मैं असन स्वामी आज नया टॉपिक के साथ संस्थागत नियोजन एजुकेशन मैनेजमेंट का पांचवा टॉपिक में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक। सबसे पहले अपन देखते हैं संस्थागत नियोजन। राजस्थान में विद्यालय प्रबंध योजना 1968 में बनी। राजस्थान में विद्यालय प्रबंध योजना कब बनी? 1968 में बनी। सन याद रखनी है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसका परिचय क्या है, संस्थागत नियोजन होता क्या है। संस्थागत नियोजन की अवधारणा मुदालिय आयोग 1952-53 की सिफारिश पर रखी गई। तो किसकी सिफारिश पर संस्थागत नियोजन बनाया गया? तो आपने आंसर क्या देना है, मुदालिय आयोग। कब? 1952-53 में। पहली बात, प्रबंध विद्यालय प्रबंध योजना कब बनी? 1968 में बनी। दूसरी बात, किसकी सिफारिश पर संस्थागत नियोजन लागू किया गया? तो 1952-53 में मुदालिय आयोग के द्वारा सिफारिश रखी गई। अब हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि कोई कार्य कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, इन सभी बातों का जो पूरे अनुमान लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नियोजन। क्या कहते हैं? नियोजन। अगर ऐसा कोई कार्य कोई संस्था करती है, अगर पूर्व अनुमान से कोई कार्य किया जाता है तो उसे कहते हैं संस्थागत नियोजन। उसे क्या कहते हैं? संस्थागत नियोजन। और शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया कार्य क्या गलत है? शैक्षिक नियोजन गलत है। पूर्व अनुमान के आधार पर कोई संस्था कार्य करेगी वो संस्थागत नियोजन है। पूर्व अनुमान के आधार पर अगर कोई शिक्षा के बारे में उद्देश्य प्राप्त है तो जो किया गया जो कार्य है उसे आप क्या कहोगे? शैक्षिक नियोजन। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं दोस्तों इसकी परिभाषाएं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी परिभाषाएं, देखो क्या है। सबसे पहले अपन लेते हैं मेसी, और मेसी अपने पहले अपने परिभाषा पढ़ चुके अपन सूचना तंत्र प्रणाली में, वहां पे आया था निर्णय। यहाँ पे देखो मेसी क्या आ रहा है, संस्थागत नियोजन की ऐसी प्रक्रिया है जिनमें प्रबंधनकर्ता उपलब्ध सभी संसाधनों यानी भौतिक और मानवीय संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बारे में सोचता है। वैकल्पिक उपयोगों के बारे में सोचता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा दी गई मेसी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? मेसी के द्वारा। याद कैसे रखोगे? संसाधन भौतिक और मानवीय साधन और वैकल्पिक उपयोगों के बारे में जो सोचता है उसे मेसी के द्वारा एक परिभाषा दी गई। अपन दूसरी बात करते हैं फ्रैंकलिन की परिभाषा है, सबसे ज़्यादा मोस्ट ये है फ्रैंकलिन की, ये आपको याद रखनी है। संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील के पत्थर के समान माना गया है। वेरी वेरी मोस्ट परिभाषा, मील के पत्थर के समान। मील के पत्थर को फेंकना है और सरकारी नौकरी लगना है। मील के पत्र को फेंकना है, सरकारी नौकरी लगना है, शिक्षा में सुधार करना है, संस्थागत नियोजन बनाना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? फ्रैंकलिन के द्वारा। मील के पत्र को फेंकना है, फेंक यानी फ्रैंकलिन। अब अपन दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्या पड़ी, इसका महत्व क्या है। तो देखते हैं, शिक्षा योजनाओं को सही दिशा प्रदान करने हेतु, शिक्षा की योजना को सही प्रदान हेतु हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर दो है, शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधनों का दुरुपयोग या दुरुपयोग रही है दोस्तों यह सदुपयोग करने के लिए। दो नंबर महत्व है, दो नंबर आवश्यकता, एक बार दोबारा देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तीन नंबर देखना क्या है, मानव संसाधनों की कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों ये जो संस्थागत नियोजन जो आवश्यकता है, मैं तो एग्जामिनर अपने हिसाब से देगा। आप अपन को क्या देखना है, अपन को ये देखना है कहाँ पर पॉजिटिव बात रखी गई है और कहाँ पर नेगेटिव बात रखी है। जो नेगेटिव बात रखी गई है वो संस्थागत नियोजन में नहीं है, जो पॉजिटिव बात रखी गई है वो संस्थागत नियोजन में है। फिर अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं,
शैक्षिक उद्देश्यों को सही समय पर प्राप्त करने के लिए ही उस संस्था नियोजन का महत्व है। अब अपन बात करते हैं संस्थागत जो नियोजन को चार भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक शैक्षिक क्षेत्र, नंबर दो सह शैक्षिक क्षेत्र, नंबर तीन भौतिक क्षेत्र और नंबर चार आता है आपके विविध क्षेत्र। कौन सा आता है? विविध क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र क्या क्या है? आदर्श पाठ योजना बनाना, नंबर दो अध्यापक डायरी तैयार करना, नंबर तीन शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना, नंबर चार विषय समिति का निर्माण करना, नंबर पाँच पाठ्यक्रम का विभाजन करना। यह आता है शैक्षिक क्षेत्र में संस्थागत नियोजन का पहला पार्ट कंप्लीट। नंबर दो पार्ट आता आपके सह शैक्षिक क्षेत्र, नंबर एक आता इसमें प्रार्थना सभा का पर्व आयोजन करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना, बाल सभा का आयोजन कराना, मिड डे मील योजना का प्रभावी निरीक्षण करना, पुस्तकालय का प्रभावी संचालन करना, प्रयोगशाला का प्रभावी आयोजन करना। जो सांस्कृतिक जो अन्य क्रियाविधि है वो किस में आएगी? सह शैक्षिक क्षेत्र में आएगी। नंबर तीन आता है आपका भौतिक क्षेत्र, उसमें क्या क्या है? भौतिक क्षेत्र में विद्यालय की चारदीवारी निर्माण करना, विद्यालय भवन में रख रखाव करना, शौचालय का निर्माण करना, जल विद्युत की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें आती है आपकी भौतिक क्षेत्र में। पुस्तकालय, चारदीवारी, फर्नीचर, बिजली, जो भी है। चौथा विभाग दिया गया है, चौथा जो कार्य दिया गया अपन उसके चौथा आपका विविध क्षेत्र सामाजिक कुरीतियाँ उसके बारे में जानकारी देना, दहेज प्रथा, बाल युवा मृत्युबोध, इनसे संबंधित गांव में क्या करना पड़ता है, रैलियाँ निकालनी पड़ती है। तो ये क्षेत्र में आ गया सामाजिक कुरीतियाँ के संबंध में जागरूकता रैलियों का आयोजन करना। अब लास्ट बात अपन इसकी टॉपिक की बात करते हैं कि जनवरी 2019 से प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन विद्यालय के आसपास सार्वजनिक स्थल पर करवाना अनिवार्य है। सबसे बात ये मोस्ट है, पहले विद्यालय में होता था सांस्कृतिक, यानी आपका बाल सभा कहाँ होती थी? बाल सभा होती थी स्कूल में, लेकिन 2019 से नियम लगा दिया कि बाल सभा कहाँ पे होगी, तो बाल सभा होगी सार्वजनिक स्थल पर। गांव में मंदिर है वहाँ जाके करो, गांव में गुआड़ है वहाँ जाके करो, गांव में कोई और अच्छा स्थान है वहाँ जाके करो, लेकिन विद्यालय में बाल सभा आप नहीं करवा सकते। ये जनवरी 2019 में लागू कर दिया गया है। अब अपन देखते हैं प्रश्न उत्तर। संस्थागत नियोजन हेतु सर्वप्रथम सोपान, ध्यान से पढ़ो, अगर आपका टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो उत्तर आ जाएगा। अध्यापक योजनाओं पर विचार विमर्श करना, प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का गुणात्मक विकास करने तो कार्य रूपरेखा बनाना, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो गया सर्वप्रथम सोपान है प्रधानाध्यापक का। तो प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का गुणात्मक विकास करने हेतु कार्यों की रूपरेखा बनाना। नंबर दो क्वेश्चन है संस्थागत नियोजन का महत्व दिया जाता है, उपलब्ध संसाधनों को, संस्था के उद्देश्यों को, उपयुक्त दोनों को, किसी को नहीं, तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त दोनों, यानी एक और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर तीन विद्यालय से संबंधित परिचयात्मक सूचना विद्यालय योजना के किस खंड में प्रस्तुत की जाती है? तो ये की जाती है प्रथम खंड में। किस खंड में? प्रथम खंड में। अगले क्वेश्चन अपन बात करते हैं संस्थागत नियोजन के अनुसार विद्यालय योजना विभाजित होती है, तो विद्यालय जो योजना विभाजित होती है वो होती है दो खंड में। कौन से कितने खंड में? दो खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं संस्थागत नियोजन की विशेषता है, विशेष नियोजन पर आधारित भौतिक व अभौतिक संसाधनों पर उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर तीन देखो, विद्यालय योजना का मूल्यांकन होता है 3 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 3 बार। आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता है दोस्तों, आवश्यक नहीं है। तो इसका 1 वर्ष में 2 बार मूल्यांकन मूल्यांकन होता है विद्यालय योजना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय योजना प्रतिवर्ष किस तिथि तक शिक्षा अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो 15 मई को विद्यालय योजना प्रतिवर्ष शिक्षा अधिकारी के सामने रखी जाती है। तो आपका आंसर हो गया 15 मई। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन की सूचना जिला प्रकोष्ठ तक दी जाती है? तो अप्रैल और मई के मध्य दी जाती है, अप्रैल और मई के मध्य दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, पाठशाला समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा? पाठशाला समाज का लघु रूप ये किसने कहा? ये कहा था जॉन डीवी ने। किसने कहा? जॉन डीवी ने। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हाजिर है। धन्यवाद दोस्तों।